मानवता और शांति यह हिंदू समाज का मूल धर्म है। जब तक शांत है तब तक ठीक है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसी दहशतवादी मानसिकता के खिलाफ चेतावनी देते हुए वैरायटी चौक में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने हिंदू धर्म रक्षा समिति की ओर से धरना दिया गया। वहां मौजूद हिंदुओं ने देश चला संतों के साथ अब होगी ताकत से बात कहकर प्रतिक्रिया दी गई है। प्रदेश के साथ ही देश में निर्दोष लोगों को अकारण मारा जा रहा है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी हिंदू समाज को एक होना होगा। अगर कुछ गलत होता है तो सभी को मिलजुल कर उसका तीखा विरोध करना होगा। अगर अब नहीं जागे तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह उद्बोधन हिंदू रक्षा समिति द्वारा कर्नाटक में भाजपा जिला अध्यक्ष की हत्या के साथ अमरावती में हुए हिंसक घटनाओं को रोकने के विरोध में वैरायटी चौक पर किए गए प्रदर्शन में मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री गोविंद शेंडे ने दिया है। वातावरण को एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत दूषित करके अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र का विरोध करने के लिए इस राष्ट्र के सारे राष्ट्रवादी ताकतों ने, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, पंथ कुछ भी हो, एक साथ आकर के अपने राष्ट्र की छवि को निखारने के लिए आगे आना चाहिए। और ऐसे जितने भी राष्ट्र कलंकक कृत्य है जो राष्ट्र की छवि को दूषित करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामूहिक रूप से सबने प्रयास करना चाहिए। यह वातावरण कहीं ना कहीं भय के वातावरण में दब रहा था, इसलिए ऐसे सारे लोग एक मंच पर आए और एकत्रित होकर के ऐसे दुष्कृत्य का पर्दाफाश कर सके, इस दृष्टि से आज की इस सभा का आयोजन किया। देश के अंदर वातावरण बनाने का, बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों की हत्या, धमकी देना, एक किसी ने कुछ कहा उसको लेकर के सर क्या कलम करने का, वो क्या कहते हैं, सर तन से जुदा, ये नारा टीवी पर बैठ करके उनके धर्म गुरु कहते हैं कि इस प्रकार की कोई भाषा हमारे धर्म के अंदर नहीं कही जा सकती, फिर ये क्यों कही जाती है? और यदि ये कही जाती है तो सड़क पर उतर के इसका विरोध क्यों नहीं होता? टीवी को बैठ के विरोध करते हो, सड़क पर उतर के विरोध क्यों नहीं करते? हिंदू समाज के साथ जिस प्रकार का व्यवहार आप कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से, यह सहन कर रहे योग्य नहीं है। कभी हिजाब का विषय लेकर के करोगे, कभी मदरसों के विषय को लेकर के करोगे, कभी तीन तलाक के विषय को लेकर के करोगे, कभी धारा 370 के विषय को लेकर के करोगे। और आश्चर्य को तब जब आज मैं किसी राजनीतिक विषय को छेड़ता नहीं हूं, किसी राजनीतिक विषय की पर चर्चा भी नहीं करता, लेकिन आज जिस प्रकार का एक घोर निंदनीय कार्य दिल्ली के अंदर हुआ, उसकी निंदा यह होनी ही चाहिए कि देश के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव का कार्य ये काल चल रहा है। सरकार ने निर्धारित किया कि हम अमृत महोत्सव मनाएंगे और आज उसके निमित्त एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, संसद भवन से निकली, उसके अंदर सबको आमंत्रित किया, सब सांसदों को आमंत्रित किया। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, अनेक दलों के सांसद उसके अंदर शामिल नहीं हुए, और शामिल ना होने की जो वो बात उन्होंने की है वो बड़ी निंदनीय है। मैं उस विषय में नहीं जाता, लेकिन उसकी कठोर निंदा इस देश की प्रत्येक नागरिक ने करनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज, नागपुर।